और अब बात करते हैं रीवा की, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि समूचे विंध्य क्षेत्र में इस वर्ष कम वर्षा के चलते कृषकों की बोनी का कार्य समुचित नहीं हो पाया है और अधिकांश किसान अभी अपने खेतों में पानी आने पर धान की रोपाई कर रहे हैं। आवारा गोवंश गत वर्षों से भी अधिक संख्या में कृषकों को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा बेसहारा गोवंश पर नियंत्रण रखने अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों की चिंताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि आवारा गोवंश की समस्या गत दशकों से पूरे विंध्य ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में व्याप्त है। किसान अनवरत इस समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन से कई बार मांग की है, फिर भी ना तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि और ना ही शासन प्रशासन किसानों की उक्त समस्या को गंभीरता से ले रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि कुछ प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में विपक्ष पार्टी भी आपसी गुटबाजी व स्थिरता के कारण विपक्ष भी भूमिका नहीं निभा पा रही है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि रीवा जिले में चोरी, अपहरण, मारपीट, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। आइए अब हम आपको सीधा ले चलते हैं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। जानकारी ना कि रीवा शहर के कीमती कीमती बेस कीमती जमीन यहाँ के पहुँच वाले, आप नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि राजनीति में हूँ और आप भी जानते, यहाँ के पहुँच वाले लोग जब जब भी सत्ता में कोई पहुँचा है या नेतागिरी में पहुँचा है या पूंजीपति हैं, बहुत सारे किया हैं, कलेक्टर बैठाए रहे हैं पूर्व के और सब ने परमिशन दिया है। अब परमिशन दे के बेस कीमती ज़मीनों को यहाँ पर है, अगर उसके पुराने कोई इंटरेस्टेड हों, तथाकथित यहाँ बहुत लोग वाले हैं, क्या बोलते हैं जो लेते हैं समाज सेवी बनते हैं क्या NGO नहीं नहीं जो निकलवाते हैं सबको आजकल बहुत RTI वाले लोग यहाँ बहुत सारे लोग, उनका भी कर्तव्य है। सारा ठेका लक्ष्मण तिवारी का नहीं है, जो मेरे संज्ञान में आता है जितनी मेरी हैसियत में पहुँच रहा हूँ। चर्ज है कि ना नेता का एक का बयान आया, ना पक्ष का आया, ना विपक्ष का आया, ना किसी एक किसान का बयान आया जो किसानी करते हैं, और ना किसी, हम दौड़ रहे हैं लगातार, कोरोना काल में भी दौड़ रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि जाकर मति आगे हर लीना, जाको दुख प्रभु दारिद दीना। अब ये मान लीजिए कि कलयुग का प्रभाव है, अब विनाश की लीला प्रारंभ है। ठीक है, एक बार ये आरोप लगता था कि मुस्लिम गाय का विरोधी हो सकता है, पर रीवा जिले में कितना मुस्लिम कितना हिंदू है, कहा एक भी बोला कोई अपने से एक गाड़ी लेके चलता है मेरे पीछे के, चलो भैया लक्ष्मण तिवारी गाय के लिए लड़ रहे हैं, गोवंश के लिए लड़ रहे हैं, फायदे के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई बोला? आप प्रेस वाले इसके गवाही हैं कि 3 साल से मैं लगातार इस पर आंदोलनरत हूँ, एक रात भी मैं घर में ठीक से नहीं सोया कि मैं आज रीवा में हूँ, सो रहा हूँ। ये दुर्भाग्य है।